जीना हराम कर दिया, पता नहीं कहाँ रह जाता है। शेर, चीते, हाथी, घोड़े, बंदर और राजू जोकर का कमाल देखना ना भूलिए, ऐसा सर्कस आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा। क्या करूँ, डैडी तो सर्कस देखने की परमिशन मुझे नहीं देंगे। भाई वो दूसरे माने वाले तिवारी जी है ना, वो अपने बेटे को मैले कपड़े की तरह धोते हैं। अच्छा धोने दे धोने दे। तुम कहाँ जा रहे हो? दीपू के घर। ये दीपू कौन है? दीपू मेरे क्लास में पढ़ता है, वो मेरा दोस्त है, दीपू नाम है उसका। मगर तुम जा क्यों रहे हो बेटा? उसने मुझे बुलाया है मम्मा। पता है दीपू के डैडी ने उसको एक नया कैरम लेकर दिया है। पप्पू भैया डैड से कैरम खेलेंगे? नहीं वो तो मतलब क्रिकेट भी खेलेंगे ना। दीपू के घर के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। तुम कब गए थे दीपू के घर? गंगू भाई इतने सवाल तो पुलिस भी चौ से नहीं पूछता। वो बात नहीं है गंगू भाई, जाने दो ना मम्मी, एक ही तो संडे मिलता है, मैं कहाँ कभी किसी दोस्त के घर बढ़ जाता हूँ। जाने दो ना मम्मी। अच्छा ठीक है, मिनी को भी अपने साथ लेके जाओ। हाँ चलो भाई, जाने दो ना भाई, अब बैट बॉल खेलेगा, मिनी को संभालेगा। अच्छा ठीक है, कहाँ रहता है ये दीपू? पास ही चर्च के पास, मैं जाऊँ? अच्छा जल्दी आ जाना और उसका फोन नंबर दे के जाओ। फोन नंबर तो नहीं है, मैं जाकर फोन कर दूंगा। मैं जाऊँ, बाय। देवा रे देवा, मेरा लड़का ना अक्का दिन बारे। बस बस तू बीच में मत बोल गंगू भाई, मुझे पता होना चाहिए कि पप्पू कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, जमाना कितना खराब है, पता है कैसी कैसी बातें सुनने में आती है। सारी एकदम सब। आज संडे से देखना ना भूलिएगा। आइए
राजू मेरा दोस्त है। तुम भी जोकर से कम नहीं है। जोकर तो मैं बंद कर दूंगा। उठा के फेंक दूंगा। मम्मी चेस खेलो ना। बेटा आप और कोई खेल खेल लो ना। और क्या खेलूं? भैया क्यों नहीं आए? पता नहीं भैया क्यों नहीं आए, ना जाने ये दीपू कौन है। मम्मी हम चेस खेले? नहीं बेटा, एक काम करो, या तो तुम टीवी देखो या फिर डिंकी के घर होकर आओ। नहीं मुझे डर लगता है। क्यों डर क्यों लगता है? संडे को डिंकी के डैडी घर पर होते हैं। एक बार ना उन्होंने मुझे यूं आंखें बताई थी, मैं इतना डर गई थी ना। मम्मी डैडी क्यों नहीं आए? पता नहीं, ये दीपू कौन है? भैया ने बताया ना कि दीपू उनका दोस्त है। तुमने देखा है दीपू को? नहीं। मम्मी चेस खेले हो? अच्छा ना चल चेस खेलते हैं। पता नहीं पप्पू भी कब आएगा। हम आपके लिए लाए हैं हमारे सर्कस के क्रिकेट स्टार विनोद चामली। अपने बच्चों को संभाल के रखेगा, कहीं बॉल उनके पास ना जाए। इस संडे हम कहीं नहीं गए ना मम्मी। तुम नाराज हो ना मम्मी? मैं नहीं, अपनी बकबक बंद करो ना थोड़ी देर, मैं ऐसे ही बहुत परेशान हूँ। तुम पहले खाना खा लो, दरवाजा मैं खोलती हूँ। I'm sorry, कमने। अरे वो क्या था कि हमने सामने तो निकलने ही नहीं दिया। उनकी बीबी तो कह रही थी भाई अपनी फैमिली को बुला लो, साथ में डिनर कर लेंगे, लेकिन मैंने डिनर नहीं किया। क्या फायदा? अरे इसमें फायदे क्या बात? क्योंकि जो संडे वेस्ट हो गया उसे आप वापस नहीं लौटा सकते, और ऐसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, और मुझ में इतनी एनर्जी नहीं कि मैं आपके साथ बहस करूं। सारा दिन इंतजार करते रहो, चिंता करते रहो, बस। इसमें प्रॉब्लम की क्या बात है? एक काम करते हैं, जो भी बना रहे फ्रिज में रख दो, अभी चलते हैं डिनर पे बाहर। पप्पू भी कहाँ है घर पर? कहाँ गया? वो कोई दीपू है उसका दोस्त, उसी के घर गया। अरे भाई फोन करके पता लगा लो ना। अब फोन नंबर होता तो मैं कब का नहीं लगा लेती। आओ ना भैया, अब तुम्हें मेरे साथ एक गेम चेस खेलना होगा। सॉरी मम्मी, दीपू के घर का फोन डेड था। सॉरी डैडी। तुमने इतनी देर क्यों कर दी? जानते हो मम्मी कितनी परेशान है। सॉरी। आइंदा ऐसा मत करना, जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो और खाना खाने आ जाओ। जाने तो काम नहीं, अच्छा है, धीरे धीरे उसे अपने गलतियों का एहसास हो जाएगा, सुधर जाएगा। तुम क्यों हंसी? खाना लगा दो। पहले बताओ तुम क्यों हंसी, इसके पीछे कुछ बात है? आपने पप्पू को तो डांट दिया कि उसे मेरे परेशान होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं, लेकिन क्या आपने मुझे फोन करके ये बताया कि आप कब घर आ रहे हैं? कामने, जब आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई तो बप्पू से ये उम्मीद लगाना कि वो मुझे फोन करके बताएगा, सरासर पागलपन है। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? आपने मुझे कब समझा है? सारा हफ्ता आपके और बच्चों के पीछे निकल जाता है, सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती। एक संडे थोड़ा आराम होता है वो भी यूं ही निकल जाता है, हमेशा का यही अनुभव है। तुम बात का पतंगड़ बनाती हो, जाके खाना लगाओ। अच्छी बात है, हमेशा का यही जवाब। हमें तो साल भर घूमना पड़ता है ना। अच्छा, बड़ा मजा आता होगा ना? बहुत मजा आता है। हेलो पप्पू, इतने उदास क्यों हो भाई? आप यहाँ से जा रहे हो ना? जाना तो पड़ेगा, हमारा घर संसार सब ये सर्कस है। तो जानते हो पप्पू, मेरा जन्म इसी टेंट में हुआ था, और हमारे पिताजी बहुत अच्छे जोकर हैं। हमारा तो कभी कोई घर आया नहीं, बस सर्कस ही, और यहाँ काम करने वाले सब मेरे रिश्ते थे। आपकी मुझे बहुत याद आएगी, मत जाइए ना। जाना तो होगा ही, फिर कभी मिलेंगे। बाबा बाबा।
बाद में तुम्हारे पास कुछ छुट्टे पैसे तो दे दो। नहीं फ्रिज पर होंगे। यहाँ तो नहीं है। अरे यही तो थे ना कल 15 रुपए। मुझे 100 के छुट्टे दे दो, मैं चौकीदार से तुम्हें ब्रेड और अंडे भेज दूंगा। देखो सारे 100 के नोट कल यही रखे थे ना 15 रुपए, कहीं आपने तो नहीं लिए ना? अरे नहीं ना, आप ही तो रख देते हैं ना पैसे फ्रिज पर। तो क्या हुआ? अरे यार हमारे घर में कौन आता जाता? गंगूबाई नहीं आती है क्या? मैं तो किचन में अपना काम करती रहती हूँ और वो बाहर झाड़ू फटका करती है। अच्छा, बहुत हुआ। आज फिर दामले जी के वहाँ तो नहीं जाना है? देखो तुम हमेशा ताना मत दिया, आ जाऊंगा सही टाइम पे। और पप्पू तुम सुनो, सही टाइम पे स्कूल से आना, बेकार में शिवानी मैडम को तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। अच्छा जा रहा हूं। मम्मी मुझसे बात नहीं करोगी? एक बार माफ कर दो ना प्लीज। प्लीज बोल कर अपनी जान छुड़ा लेते हो, मगर करते वही हो जो तुम्हें पसंद होता है। आपने कभी सोचा है आप घर पर देर से आते तो मुझे कितनी चिंता होती है? पता नहीं कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। अब ऐसा नहीं करूंगा, सॉरी। ठीक है अब जाओ। अब क्या है पप्पू? बेटा पहले तो आप मनमानी करते हो और जब हम डांटते हैं तो मायूस हो जाते हो। दिस विल नॉट डू। आप जो भी काम करो सोच समझ कर किया करो। मम्मी बेटा अब टाइम वेस्ट मत करो, आप लेट हो रहे हैं और अगर आप स्कूल लेट पहुंचोगे तो टीचर पनिशमेंट देगी, है ना? मम्मी डैडी मुझसे नाराज थे। तुमने काम भी तो ऐसा ही किया है ना? उन्होंने कुछ बोला? तुम्हारी भी अजीब सोच है पप्पू, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या सोचते हो तुम दिमाग में। डैडी आप पे नाराज नहीं थे, मगर ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अनजाने में अगर भूल हो जाए तो माफ कर दी जाती है, मगर वही गलती आप दोबारा करेंगे तो आपको डांट जरूर मिलेगी। अब जाओ, अब संभल कर जाना, ठीक है? पप्पू हमें बहुत देर हो जाती है, मोना और बबलू हमारा इंतजार भी नहीं करते। चलो थोड़ा पढ़ना लिखना शुरू कर दे, मगर तू मेरी बात नहीं सुनता ना। अरे पढ़ लिख कर कहाँ जाए, अपनी तो सारी जिंदगी बस इसी सर्कस में। कल अगर ये सर्कस बंद हो गया तो भीख मांगोगे? ठीक। अच्छा ला ला खा दे। साल में सिर्फ एक दो खत मिल जाते हैं और तू अपना चांस लेकर मेरी हजामत बना देता है। तू समझेगा नहीं यार राजू, अब मुझे समझना भी नहीं है। अच्छा हम कब जा रहे हैं? कल। कहाँ जाएंगे? बिलासपुर। बिलासपुर कहाँ है? दूर है। कितना दूर है? बहुत दूर है। क्या है ना, तुम क्या पूछना चाहती हो? मयूरन जल्दी चलो ना बाबा। थोड़ी देर में आता हूँ ना सर। ज्यादा भाव मत खा, एक लेटर कलेक्टर को देना है और वो बहुत अर्जेंट भी है। ऑफिस की लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं, जल्दी चलो। ठीक है चलिए। मयूर मेरा खत पढ़ देना। तुम्हारा खत बाद में पढ़ा जाएगा भाई। मगर तुम चुप रहो राजू, कौन से तुम्हारे बीवी ने ऐसे तुम्हें खत भेजा है? अकेले तो हो, बाद में खत पढ़ा लेना। मयूर चलो, खत कलेक्टर के पास अगर नहीं पहुंचा ना तो चेक नाके पे प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। एक काम करते राजू, कोई देर पढ़ते हैं। चलिए चलो। अंकल वो नहीं आया, हमारा दोस्त। कौन? पप्पू? हाँ, हमें पप्पू से मिलना होगा ना। पप्पू हमसे मिलने जरूर आएगा। आएगा ना? हाँ। अगर आपसे मिलने आए तो मुझसे भी मिलवा देना। जरूर आना।
मैं तुमसे जरूर मिलवाऊंगा। तुम्हारे घर सामान पैक कर दिया? सुबह से वही कर रही है वो। मुझसे कहा यहाँ बीच बीच में मत आ, राजू अंकल के साथ बैठ। अच्छा चलो मैं भी अपना सामान पैक कर लूँ। प्रेम साहब मैं कल आखिर रात जगी, मेरा मर्द ने रात को एक बजाया, मैं तो झगड़ा करके ही दम ली। प्रेम साहब आप सुन रही ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ, तेरी बक बक सुनने के लिए तो मेरे दोनों कान भी कम पड़ते हैं। कसम मेम साहब, वो क्या है कि मेम साहब मैं ना मेरे बच्चे को स्कूल पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा बच्चा 12वीं पढ़ेगा ना तो बैंक में फिर उनकी नौकरी करेगा। अच्छा तुझसे किसने कहा ये? मेरा भाई 12वीं पढ़ा है और बैंक में प्यून है प्यून, मैं भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। मेम साहब मेरा मर्द है ना, मेरा मर्द आपका पैसा दारू में गवाता है, मैं अपने बच्चे के लिए पेट काट के पैसा जमाती हूँ। मैंने अपने बाबा के पी के पैसे रखे थे, उसके भी दारू पी गया, इसलिए मैं उसके साथ झगड़ा करती हूँ। गंगूबाई ये बात ठीक है क्या? नहीं बात, मैं 10 घर में काम करती हूँ, अपने बाबा को पढ़ाने के लिए पैसे जमा करती हूँ, मगर सब ठीक हो जाएगा गंगू भाई, समझदारी से काम ले। क्या ठीक हो जाएगा? तो प्यार से समझाना अपने मर्द को, मान जाएगा। झगड़ा करके कोई फायदा है क्या? हेलो नमस्ते, पप्पू स्कूल से आ गया? बस आता ही होगा आप? जी मेरा दीपू पप्पू की क्लास में है, दीपू को बुखार है, वो स्कूल नहीं जा पाया इसलिए होमवर्क पूछने के लिए फोन किया था। अच्छा अच्छा, पप्पू के आते ही मैं फोन करवाती हूँ। आपका फोन आज ही ठीक हुआ होगा ना? फोन? वो पप्पू कह रहा था कि आपका कल फोन डेड था, आपके घर आया था ना पप्पू कल? नहीं तो, पप्पू कल आपके घर नहीं आया था? नहीं। अच्छा क्या बात है, आप चिंता में लग रही है। नहीं तो, वो पप्पू कह रहा था। एनीवे पप्पू के आते ही मैं आपको फोन करवाती हूँ। हाँ जी मैम साहब, मेरे पति को जरा समझा देना, शायद आपकी बात मान जाएंगे। देखते हैं गंगू भाई, मैं चलती हूँ। मम्मी भैया जल्दी आ गए। मिनी तुम हाथ पैर धो लो। पप्पू कल तुम कहाँ गए थे? दीपू के घर। दीपू आज स्कूल आया था? पता नहीं क्यों नहीं आया। क्योंकि दीपू बीमार है। अमित आज बहुत सर दर्द कर रहा है, जरा कप चाय बना। क्या हुआ? पूछिए पप्पू से, कल कहकर गया था कि दीपू के घर जा रहा है मगर वहां गया ही नहीं। तुम्हें कैसे बोल सकता? दीपू की मम्मी का अभी फोन आया था, कह रही थी कि दीपू बीमार है। देखो बहुत दिनों से तुम्हारी मैं बदतमीजी बर्दाश्त किए जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और झूठ बोलना और गलत बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सच बताओ नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा तुम्हें मैं। बोलते क्यों नहीं हो? तुम अरे बोलो तो सही। दीपू के घर जाने वाला था मगर ग्राउंड में मेरे दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो मैं भी सच कह रहे हो तुम? हाँ, बबलू और मोहन तो मेरे साथ नहीं खेलते ना इसलिए। आप शिवानी नमस्ते, काम लीजिए। नमस्ते, कैसा तुम्हारा स्टूडेंट? चंचल दिमाग है पप्पू का, पता नहीं हर वक्त कुछ और ही सोचता रहता है। वैसे अगर पढ़ाई में प्रॉपर ध्यान दे तो पप्पू इंटेलिजेंट है। शिवानी तुम रूम में चलो, मैं पप्पू को अभी भेजती हूँ। पप्पू बेटा इधर, देखो बेटा जो इंसान जिंदगी में झूठ बोलता है ना वो कभी तरक्की
लड़के नहीं कर पाता, इससे बैड है। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे से झूठ नहीं कहोगे। चलो पढ़ाई। मैं पप्पू की शहादत को लेके परेशान, समझ में नहीं आता कि उसे मैं कैसे समझाऊं। पप्पू अभी भी झूठ बोल रहा है, मगर एक दो दिन में मैं पता लगा लूंगी कि सच बात क्या है। जल्दी करो। पता नहीं, मेरे पैंट गायब है, मिल रहा नहीं है। अरे कहीं धोबी को तो नहीं दी? नहीं, धोबी से मेरा तो झगड़ा हो गया। अच्छा, सबकी जो रेट लगाता है वही रेट मेरे पैंट की लगाता है। तो गलत क्या करता है? मेरी पैंट तो हाफ पैंट से छोटी है, कम लेना चाहिए ना। अच्छा, अरे जल्दी करो जल्दी, अब हमें निकलना है। मेरी पैंट गायब है, मिल रहा नहीं है। पैंट रहने दे, तू किसी सूटकेस में बंद नहीं हो जाना। जल्दी करो जल्दी करो, कल निकलना है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, पप्पू से मुलाकात नहीं हुई। पप्पू कौन है? अरे उसे मिलना है। मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा राजू, जरूर आऊंगा। अरे गंगू भाई, कपड़े कम पटक पटक के धो। एक वॉशिंग मशीन ले लो। अगर वॉशिंग मशीन ही लेना है तो तेरा क्या काम है? ये ले पप्पू की पैंट, एक ही दिन में इतनी खराब कर देता है कि शाम तक उसका रंग भी नहीं पहचान में आता है। पप्पू की जेब में तो कुछ ना कुछ निकलता ही है। क्या है? बाई टिकट। बता तो ये। सर्कस का टिकट है भाई, पर आप पिछले हफ्ते तो सर्कस गए थे ना? नहीं, सर्कस का ही है, मगर परसों का क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, तो अपना काम कर। हे भगवान, तो परसों का ही है, मतलब दीपू की मम्मी सही कह रही थी, मेरा पप्पू दीपू के घर में सर्कस देखने गया था। मगर पैसे, हाँ धर्मेश, हमारे पप्पू के पैंट के जेब से सर्कस का टिकट मिला है। तो अरे हम गए थे सर्कस देखने। नहीं, ये परसों का है, उस दिन याद है बोल के गया था दीपू के घर जा रहा हूँ, मगर वो सर्कस देखने गया था हमसे झूठ बोलकर। सर्कस देखने गया था, लेकिन इतने पैसे? उस दिन फ्रिज में से पैसे गायब हुए थे, याद है? ओह माय गॉड, ये हमारे पप्पू को क्या हो रहा है धर्मेश? क्या इतने खराब है हमारे संस्कार? ठीक है, मैं शाम को पप्पू से बात करता हूँ। देखो अभी बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है, मैं फोन रखता हूँ। ओके, अच्छा ठीक है। क्या वो कामिनी जी, बात क्या है? शिवानी, हुआ क्या? आप इतनी परेशान क्यों हैं? पप्पू की गंदी हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। क्या किया पप्पू ने? झूठ बोलना तो उसने अपनी आदत बना ली है। इतना समझाया मगर वो समझता ही नहीं।
एक तो पढ़ाई में ध्यान नहीं, ऊपर से गंदी आदतें। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समझ जाएगा। नहीं, सब कुछ करके देख लिया, कितना समझाया, इतने मौके दिए, मगर अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, चरित्र ही हमारी पूंजी है। पता नहीं सब कुछ पाकर भी पप्पू गलत काम क्यों कर रहा है। आखिर पप्पू ने किया क्या? पता है शिवानी, उसने चोरी की। सरपंच देखने के लिए घर से पैसे चुराए, तो जब उसके पेन की जेब से टिकट मिली तब हमें पता लगा कि वो सर्कस देखने गया था। ये क्या कह रहे हैं आप? पप्पू ने दोबारा सर्कस देखा, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझसे कहा होता तो मैं उसे पैसे दे देती, मगर सर्कस देखने के लिए चोरी की, हमसे झूठ बोला। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, सब कुछ, मगर झूठ नहीं। ना मैं बर्दाश्त करूंगी, ना धर्मेश। आली तो आज उसको आज इसकी खाल उधर के रखूंगी। कमलेश जी प्लीज कूल डाउन, आज तो फैसला होकर रहेगा, बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगी बस। क्या करूं, मुझे भाग जाना चाहिए। घर चला गया तो बहुत प्यार करेगा, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा। Thank you.